देखिए दोस्तों, ये है हाईवे से कुछ व्यू दिखा रहे हैं आप लोगों को। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो हम सोचे कैप्चर कर लें और दिखाएं आप लोगों को यहाँ का व्यू। और अभी लेकर चलते हैं, वहाँ से दिखाते हैं पास से भरदरिया का व्यू। ये हाईवे से है, भरदरिया का व्यू है। वीडियो में बने रहिएगा, लेकर चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं वहाँ से व्यू क्या है, कैसा है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जो भी लोग इस चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं आप लोगों के बीच। चलिए दोस्तों, हमको चलना है वहीं पे भरदरिया। चलिए वीडियो में बने रहिए, लेकर चलते हैं वहाँ पे भरदरिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। और मैं हूँ ज्ञानदीप, लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। और अभी हम जहाँ हैं वहाँ बता दें कहाँ पे हैं। अभी हम आए हुए हैं भरदरिया भरौरा मिर्ज़ापुर। और जैसा कि ये जगह जो है अपने बनारस से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। और ये रास्ता इधर चला जाएगा सोनभद्र की साइड में रावतासगंज के लिए। और अभी इधर की बात करें तो देखिए, ये है अपना इधर वाराणसी के लिए अपना बनारस। और यहाँ देखिए अंदर से, यहीं से एंट्री है, यहीं से जाना है अंदर। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं वहाँ के आसपास का व्यू क्या है, कैसा है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जो भी भाई बहन चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं हम आप लोगों के बीच। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कुछ अंदर का व्यू। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर से व्यू क्या है, कैसा है। और ये देखिए मेन गेट है, जैसा कि आप लोग देखें मेन गेट का व्यू क्या था। और यहीं से अंदर जाना है। और श्री बैजू बाबा तपस्थली भरौरा मिर्ज़ापुर के नाम से है, और भरदरिया के नाम से है ये। और इधर देखिए आसपास का, गेट के अंदर करते ही अंदर का कुछ व्यू ऐसा। इसी के ठीक बगल में एक पेट्रोल पम्प है बैजू बाबा फिलिंग स्टेशन के नाम से। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर का व्यू क्या है, कैसा है। वैसे देखिए दोस्तों, ये है अंदर जाने का रास्ता है। जैसा कि मेन गेट जो था उससे भरदरिया दरी जो है 700 मीटर अंदर जाना है। मेन गेट से जो हाईवे है वहाँ से 700 मीटर अंदर जाना है। और अभी हम कुछ दूर अंदर तक आ चुके हैं और अभी रास्ता जारी है और भी दूर चलना है। तो चलिए सफ़र में बने रहिए और लेकर चलते हैं अंदर और जो यहाँ का व्यू है दिखाते हैं भरदरिया का। और जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये है अंदर का कुछ व्यू है कुछ इस तरह, हसीन वादियों के बीच और हरे भरे पेड़ पौधे। जैसा कि इस बार इधर तो बहुत अच्छी बरसात नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे आपका लखनिया दरी तो अभी बंद चल रहा है, वहाँ पे जो भी हादसा हुआ उसको लेकर। और अभी बात कर लें राज दरी, देव दरी और मूसाखार डैम, नौगढ़ बांध, जो भी इन सब जगहों पे है, और पानी के अभाव के कारण जो खूबसूरती देखने को मिलती है वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। और बाकी क्या है कि प्रकृति का अनुभव जो एहसास है, मेरे हिसाब से यहाँ आने का सही समय जो है, जिसे आप अच्छा अनुभव फील कर सकेंगे, वो है जुलाई अगस्त का महीना। क्योंकि उस टाइम, वह टाइम ऐसा होता है, उस टाइम में क्या है कि इधर बरसात बराबर होता रहता है
और उस बरसात में जो व्यू होता है, जो नज़ारा होता है, काफ़ी खूबसूरत होता है। देखने के बाद जो खुशी मिलती है, दिल गदगद हो उठता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, लेकर चलते हैं भरदरिया दरी और दिखाते हैं वहाँ का व्यू और वहाँ से रूबरू कराते हैं। अभी कुछ दूर और अंदर चलना है, चलिए बने रहिए वीडियो में। तो लगभग दोस्तों हम आ चुके हैं भरदरिया के आसपास। भरदरिया दरी जो है, देखिए ये सब क्या कि रोड निर्माण का कार्य शुरू होने वाला था, बट पैसे के अभाव में अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ आते समय बोर्ड पे लिखा हुआ था कि सड़क निर्माण हेतु आप सहयोग कर सकते हैं, 50, 20, 100 रुपये का सहयोग करें, जिससे कि सड़क निर्माण जल्द से जल्द हो सके। तो देखिए सब टूटा पड़ा, ये पड़ा हुआ है। और मेन गेट से हाईवे जो है वहाँ से आने के लिए मतलब यहाँ पे सड़क निर्माण हेतु सहयोग राशि मांगी जा रही है, और इससे पहले तो ये चीज़ नहीं था। और अभी आज से कुछ महीने पहले हम आए थे, बट उस टाइम हम क्या कि वीडियो नहीं बनाए थे यहाँ का, उस टाइम ऐसा नहीं था। अभी आए हैं तो आज कुछ ऐसा देखने को मिला है। और देखिए फाइनली हम लोग भरदरिया आ चुके हैं, और यही है भरदरिया दरी श्री बैजू बाबा धाम। और मेन हाईवे से लगभग 700 मीटर अंदर आने के बाद का ये व्यू है। और आवागमन यहाँ पर भी प्रतिबंधित है, लेकिन वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी लोग थे तो उनसे बात हुआ, और बात करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है जाइए, जल्द से जल्द वीडियो बनाकर वहाँ से आइएगा, क्योंकि अलाउ नहीं है। तो हम कहें हमारा काम है वीडियो बनाना, और ऐसे ऐसे जगहों पे जाकर हम क्या कि वीडियो वहाँ का बनाते हैं और जो भी अपडेट है देते हैं लोगों को। तो वही उनसे परमिशन मिला, और अभी देखिए फाइनली हम आ चुके हैं। और ये देखिए आसपास का कुछ व्यू ऐसा है, और देखिए ये है श्री बैजू बाबा धाम। देखिए मेन गेट है, ये मेन गेट कह लीजिए चाहे जो भी, सारा कुछ यहीं से है बाकी नीचे जाने के लिए। तो चलिए अभी लेकर चलते हैं नीचे और दिखाते हैं कुछ नीचे का व्यू क्या है, कैसा है। और ये देखिए आसपास का व्यू है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो में बने रहिए, लेकर चलते हैं अंदर। अभी हम तो अकेले ही हैं यहाँ पे आए हुए हैं अकेले, और एकदम सुन सन्नाटा सा एकदम यहाँ पे छाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और लेकर चलते हैं नीचे। देखिए यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है, और बाकी वीडियो में बने रहिए, लेकर चलते हैं नीचे और नीचे से दिखाते हैं व्यू क्या है कैसा है। देखिए यह है यहाँ का नज़ारा, और नीचे लेकर चलेंगे आपको, दिखाएंगे और भी नीचे से। लेकिन यहाँ से नीचे चलते हैं, देखिए यह व्यू, और नीचे लेकर चलेंगे और भी दिखाएंगे पास से व्यू जो भी है। वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से व्यू, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये व्यू बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से प्रतीत हो रहा है, और देखिए यही है श्री बैजू बाबा धाम भरदरिया। और देखिए ये है आसपास का व्यू है कुछ नीचे का, देखिए अभी बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, बाकी आसपास का ये व्यू है। और
है श्री बैजू बाबा स्मृति भवन। ये है कुछ ऐसा व्यू है। देखिए यहाँ पे एक मूर्ति बजरंगबली का, बाकी ये देखिए यहाँ का व्यू। देखिए दोस्तों ये सब नज़ारे काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अपने आसपास में ही ऐसी जगहें हैं जहां आप लोग घूम नहीं पाए हैं। देखिए घूमने के लिए एक बहुत ही प्यारा जगह है ये भी, तो आए यहां घूमें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और बाकी आप देख ही रहे हैं व्यू। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए बाकी यहाँ भी एक मूर्ति दिख रही है बजरंगबली का। और बाकी देखिए ये है नीचे से व्यू है, और वही सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम नीचे आए हैं और देख रहे हैं ये आसपास का व्यू जो भी है। और दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पे हो रहा है, और हम यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद आए और बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। और देखिए आसपास का व्यू है, आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ आए और यहाँ का व्यू दिखाए, श्री बैजू बाबा धाम भरदरिया हरहरा मिर्जापुर। और यहाँ का जो भी व्यू था अभी आसपास का सारा चीज़ दिखाया आपको, और हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए। और ऐसे ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं आप लोगों के बीच, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को रखते हैं यहीं, और मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।